करने वाले अंतेवासी यानी विद्यार्थी बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर भी आगे बढ़ते थे। भारत की प्राचीन परंपराओं के उपयोगी तत्वों से हमारे विद्यार्थियों को जोड़ना हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक मुख्य पथ। योग पद्धति व्यक्ति के समग्र विकास का मार्ग, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष के माध्यम के रूप में योग प्रणाली को प्रभावी माना जाता है। योग के माध्यम से चित्तवृत्तियों के निरोग करके प्रज्ञा की स्थिति अर्थात समस्त को स्थिति प्राप्त की जा सकती है। योगस्थ व्यक्ति को आंतरिक शांति का अनुभव होता है। मुझे बताया गया है कि स्वामी कोलयानंद जी का अंतिम उपदेश था, वन शुड एक्सेप्ट व्हाट एवर कम्स वन वे विदाउट लॉसिंग हार्ट। अपने इस सार्वगर्भित शब्दों में स्वामी जी ने महाभारत की इस अमोघ शिक्षा को अभिव्यक्ति प्रदान किए। प्राप्तो अप्राप्तो उपासित उपासित हृदयेन अपराजित, अर्थात हृदय से अपराजित रहते हुए जो कुछ मिला और जो कुछ नहीं मिला उन सब का सम्मान करते।